मिलता है ये देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं? हमारे YouTube फैमिली तो सारे ठीक ठाक ही होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज हम एक चीज खरीदे हैं, देख सकते हैं आजकल के सीजन में यानी कि मिलता है ये देखिए। तो यहीं पे बेचने आया था हम लोग के गली में, तो ये खरीदे हैं क्या, खेसारी का साग। तो ये खेसारी का साग हमारे यहाँ बहुत ही पसंद किया जाता है फ्रेंड, हमारे पति देव और हमारे बच्चे और हमें भी, सभी कोई को ये पसंद है। तो इसका साग बनाएंगे, साग चावल और बनाएंगे आलू का चोखा। तो अभी इसे हम देखिए भून रहे हैं ताकि इसमें घास पतवार रहे तो निकल जाए, एक एक निकल रहे हैं। और इसे भून कर और ले जाएंगे मौसी से कटवा के लाएंगे, जो हमारे यहाँ पे मौसी रहती है बगल में उससे, क्योंकि हमें महीन महीन काटने नहीं आता है, इसीलिए हम उससे। बच्चे स्कूल से आए हैं तो देख सकते हैं ये अभी खाना खा रहे हैं दोनों, और बेटा जी उधर। तो ये देखिए, तो फ्रेंड उस दिन हम लाए थे कोट जो, तो इसको बर्थडे में जाना था तो उस दिन बड़ा बड़ा कोट खरीदा गया था, तो उसको चेंज करके फिर सेम छोटा छोटा सा पहनने वाला ला। और ये दोनों का कोट जो है अब फिट आ रहा है फ्रेंड, उस दिन बहुत बड़ा खरीदा गया था, इसके पापा ले दिए थे कि बढ़ेगी नहीं, तो उसको चेंज करके और फिर दूसरा लाए। और आज बनाए थे आलू गोभी और मटर की जबरदस्त सब्जी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मौसी से कटवा कर लाते हैं। छोटी बेटी हमारी झोला में साग को कस दिए हैं और लेके चल रही है, तो चलो छठी चलो चलो। तो फ्रेंड हम तीनों माए बेटा बेटी सब जा रहे हैं मौसी के यहाँ साग कटवाने। बेटा हमारा बिस्कुट लिया है, दिखा रहा है आप लोगों को। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और ये देखिए बाहर का व्यू है, ऐसे तो हम ना बाहर का वीडियो नहीं बनाते हैं, फिर आज बना दे रहे हैं। देखिए एक कुत्ता है जो गाड़ी पर चढ़ के ऊपर बैठे हुए हैं। विकल जाओ। तो देखिए दोस्तों, हम मौसी से फाइनली साग कटवा रहे हैं। ये देखिए आशा ये बहन बेटी है, और यहाँ पे देखिए मौसी मेरी साग काट रही है, और एक ये मेरी बहन बेटी है एंजल। बेटा हाय करो, हाय करो, ऐसे ऐसे करो। और इधर मेरा साग देखिए कितना महीन महीन कटा रहा है, हमें ऐसे नहीं काटने आता है, इसीलिए हम अपने मौसी से कटवाते हैं। ये देख सकते हैं, तो हम खुद से काटते हैं ना, तो मोटा मोटा काट कर अब पकाते हैं और फिर उसको सिलवटे पर पीसते हैं, तो इसीलिए कटवाने आते हैं मौसी से। और ये अभी पिट्ठा बनाने के लिए चावल पीस रही थी, तो हम पीस रहे हैं चावल, ऐसे साग कटवा रहे हैं। और उधर देखिए अभी हम पीस रहे थे वहाँ पे चावल, और एक वो दीदी लगती हैं वो भी हैं, साथ में मिलकर हम लोग पीस रहे हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, साग का रेसिपी भी आप लोगों को देंगे। प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह हो गए फ्रेंड, और कल और इधर कल रात को शाम को मेरी दीदी आई थी, ये देखिए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे बड़ी दीदी, तो कुछ काम से आई थी। और कल रात, कल जो बोले थे आप लोगों को खेसारी का साग हम खरीदे हैं तो वो आप लोगों को रेसिपी देंगे, तो सॉरी फ्रेंड हम रेसिपी नहीं दे पाए क्योंकि कल हमारा मूड थोड़ा ऑफ था शाम को, इसलिए क्योंकि हमारी मम्मी का बहुत जोरों से तबीयत खराब था और फोन आ गया था, तो हम बहुत ही टेंशन में थे, इसीलिए हम साग को रात में ही पका लिए, पका के और रख दिए। और इस टाइम भात चोखा बनाए हैं तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए तो ये देखिए, और थोड़ा सा पति देव जी लाए थे ये हरा मटर, तो इसका थोड़ा सा भबरा बनाए हैं। और यहाँ पे देखिए बनाए हैं चावल, और ये देखिए साग बनाए, साग बनाकर सिलवट्टे पर पीस कर, और इसमें देखिए सब लहसुन हरी मिर्च डालकर मिला दिए हैं, और आलू का चोखा बनाए हैं। और साग का रेसिपी आप लोगों को नहीं दे पाए उसके लिए सॉरी। और ये देखिए आलू का चोखा। तो अभी फिलहाल हमारे बच्चे चल रहे हैं स्कूल पढ़ने, तो हम लोग भी हाथ मुँह धो लिए हैं, अब चलते हैं खाना खाने के। ब्लॉग में बने रहिए।
और दीदी को देते हैं खाने के लिए, और खाकर दीदी को जाना है घर। तो चलिए बने रहिए, का भोजन चलने लगा है फ्रेंड। जिनको जिनको खाना है साग चावल चोखा तो आ जाइए खाने। ये देखिए हम और दीदी हमारी, हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए चना, ये चना सॉरी चना नहीं, हरा मटर का भबरा, ये देखिए। तो ठंडे के दिनों में गरम गरम चावल खाना चाहिए, तो हम लोग खा ले रहे हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। आज का वीडियो ब्लॉग वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन, यानी कि हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुँच सके। और प्लीज़ प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए, भर के आप लोग प्यार दुलार दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कोई बढ़िया से ब्लॉग के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फूड वॉचिंग फ्रेंड, खुश रहें, खुशियां बांटें, हमें भी सपोर्ट करें।